नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपकी चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं गोप्रो बुक जो एरिक वॉरिस साहब ने लिखी है उसके चैप्टर नंबर 2 से। साहब ने ये कहा है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो तो एक प्रोफेशनल होने का, प्रोफेशनल बनने का एक डिसीजन ले करके आप एंटर हो। साहब कहते हैं तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं पोजर, जो एंटर तो होते हैं ये सोच समझ के कि भाई मैं एंटर हो रहा हूँ और मुझे एक लॉटरी की टिकट ली है मैंने और ये लग जाएगी, मुझे जैकपॉट मिल जाएगा, पर वैसा नहीं होता है। काम करना पड़ता है और ये लोग इसी मतलब काम के अलावा बाकी सारी सोच समझ ले करके आते हैं और बहुत ही जल्दी फेल हो जाते हैं। दूसरे लोग होते हैं एमेच्योर्स। एमेच्योर्स थोड़ा सा आगे सोचते हैं कि भाई ठीक है, काम तो करना है, पर वो जो अपने आसपास के इर्द गिर्द का जो एक क्षेत्रफल होता है सिर्फ उसी में काम करते हैं और वो पोजर से दो कदम आगे चल के थक जाते हैं कि ये सोच करके कि मुझे इसी में से कोई ऐसा मजबूत मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा या टीम मेंबर बन जाएगा जिसके चलते मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ेगी और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। दूसरा वो ये सोचते हैं कि मेरी टाइमिंग सही है। तीसरा वो सोचते हैं कि मेरी पोजीशन सही है। ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार करते हैं कंपनी में या इंडस्ट्री में एंटर होने के साथ। और जो शॉर्टकट मेथड्स होती हैं जैसे लीफलेट्स बांट देना या बिजनेस कार्ड्स बांट देना या इंटरनेट पे कोई ऐड दे देना, तो इस तरीके के शॉर्टकट्स अपनाते हैं और जैसे अपनाने के बाद उसके रिजल्ट्स नहीं आते, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो फेल होते हैं, निकल जाते हैं। तो ये शॉर्टकट्स काम नहीं आते। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक प्रोफेशनल बनना होता है और प्रोफेशनल वो होता है जो इंडस्ट्री में आते ही इंडस्ट्री की जो स्किल सेट्स हैं, जो तरीके हैं, तरकीबें हैं, जो प्रयास हैं, वो सब सीखे और वो सीखने में उसमें एक प्रैक्टिस करे, लर्न करे, प्रैक्टिस करे, उसको अप्लाई करे और उसकी स्किल्स जो है वो शार्पन करे। तो ये करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो एक एक्सपर्ट बनता है, प्रोफेशनल बनता है, मच्योर बनता है सिस्टम में और वो व्यक्ति जो है वो अपनी साथ एक पूरी एक लार्ज और एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन या टीम खड़ी करता है। तो साहब कहते हैं कि जो जोश है, एंथुजियाज्म है, वो बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ में आपने ये जो स्किल है, जो तरीके हैं, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे सिर्फ जोश के साथ काम नहीं होता, तो आपको ये लर्निंग लेनी ही है। अब साहब एक एग्जांपल देते हैं कि जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो फाइनल कंपटीशन के पहले बहुत से वर्ष प्रैक्टिस में लगाते हैं, बहुत से जो टाइम है मतलब लगातार घंटों दर घंटों प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके वो एक प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं और इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं और उसमें से पहले दो तीन बंदे जीतते हैं, बाकी के बंदे हार जाते हैं, बट दे रीच अप टू दैट कॉम्पिटिशन लेवल। तो साहब का ये कहना है कि अपने अपने दूसरे प्रोफेशंस में लोग इतना समय, इतना डेडिकेशन लगाते हैं, करते हैं, पर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो वो ज़रा सा भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, ज़रा सा भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करते स्किल्स में, मेहनत में, और इसी के चलते वो फेल होते हैं और फिर बदनाम करते हैं इंडस्ट्री को, जो गलत है। अब एरिक वॉरिस साहब ने एक बुक का जिक्र किया है, बुक का नाम है आउटलायर्स और जिसको लिखा है मैल्कम ग्लैडवेल ने। तो मैल्कम साहब ये कहते हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस करना होता है। अब वो आप
कोई भी फंक्शन में, कोई भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो यू हैव टू गिव 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू दैट एक्टिविटी। अब इसका हिसाब उन्होंने ब्रेकअप करके ये बताया कि अगर आप दिन के 4 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो दूसरे कामों के साथ में, तब भी जा करके आप 7 साल में एक्सपर्ट बनते हो। तो एरिक साहब का ये कहना है कि अगर 7 साल आप इंडस्ट्री में देते हो एट अ रेट ऑफ 4 आवर्स पर डे, तो आप सीखोगे, गलतियां करोगे, आप आगे बढ़ोगे और आपको आसपास के जो आपके अपलाइंस हैं, आपके जो मित्र हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, वो आपको हेल्प करेंगे, तो आप और इम्प्रूव करोगे। अब साहब ये कहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री और अपने इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो बहुत उदार दिल वाले हैं, वो कभी भी आपकी गलतियों को दिल पे नहीं लेके माफ़ कर देते हैं। इसका मतलब कि आप अपने पथ पर लगे रहो, काम करते रहो, सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, एंड डेफिनेटली ये करते कराते यू विल ग्रो, यू विल बिकम एन प्रोफेशनल, नॉट मे बी इन 7 ईयर्स, इवन फास्टर एज वेल। ठीक है, तो साहब ये कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ कि अपने आप को स्किल्स एक्विजिशन में और एक कमिटमेंट के साथ में एक्वायर करनी स्किल्स को प्रैक्टिस करना है और अप्लाई करना है और इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। और यही जब आप करते 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 आप क्या बन जाओगे, आप एक टीचर बन जाओगे, एक कोच बन जाओगे, एक अच्छा लीडर बन जाओगे और एक अच्छा, सबसे अच्छा एक फ्रेंड बन जाओगे। ठीक है, तो लोग जो हैं, आपकी टीम जो है वो आप पे एक आशा भरी नज़रों से देखेगी कि भाई मुझे इस व्यक्ति से सीखना है, जैसे आज आप किसी और से सीख रहे हो, आपकी टीम आपसे सीखेगी। और ये करते 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 आप अच्छे लेवल पे, जो एक फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, ज्योग्राफी फ्रीडम, वो अचीव करो। ठीक है, तो साहब का कहना ये है कि आप अगर ये तय करते हो, नक्की करते हो कि आपको इंडस्ट्री में आना है, मोर देन वेलकम, आइए। और आने के साथ में एक प्रण लेके आइए कि आप अपना जो लर्निंग माइंडसेट है, जो सीखने की जो एक क्वेस्ट है, सीखने की एक जो तलब है, सीखने की एक जो भूख है, उसको आप जारी रखोगे। नित्य दिन रोज आप सीखोगे, अलग अलग लोगों से सीखोगे, अलग अलग बुक्स से सीखोगे, अलग अलग वीडियोस और ऑडियोस से सीखोगे, अलग अलग लोगों से सीखोगे। तो ये एज अ स्टूडेंट बन के रहना है, सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है। और ये करते करते क्या होगा, आप एक पोजर से, एमेच्योर से एक प्रोफेशनल बन जाओगे। और ये माइंडसेट डे 1 से लेकर के आपको चलना है, तभी आपका सीखना और फिर सिखाना आसान हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें। जब आप लाइक करोगे तो YouTube को ये पता चलेगा कि इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आपके जैसे प्रोस्पेक्टिव लीडर्स को, नेटवर्क मार्केटर्स को ये वीडियो दिखाया जाएगा YouTube के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से एक जान पहचान बनाएंगे। दूसरा, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है जब मेरा वीडियो लोग देखते हैं और कमेंट भी करते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं या मेरे वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ताकि मैं और अच्छे बेहतर वीडियोस बनाता चलूँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो सुनने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।